हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर फरज जहाँ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। पिछले वीडियो में हमने बात करी कि हम मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट, पैप स्मेयर टेस्ट या फिर कालकोस्कोपी, एक माइक्रोस्कोपिक एक हम जिसमें लेंस से ये जो है थोड़ा सा इनलार्ज करके सर्विक्स को देखते हैं कॉल्पोस्कोप के थ्रू, और किसी भी सस्पेक्टेड एरिया की बायोप्सी लेकर के हम कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा कैंसर है, अगर ये फैल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है, फिर मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो डेवलप होने में 10 से 15 साल लगा देता है। तो इसकी स्क्रीनिंग पैप स्मियर और कॉल्पोस्कोपी एवरी ईयर्स, एवरी थ्री ईयर्स, एवरी फाइव ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन एंड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, आप इसे करा सकते हैं। अब आप ये जानते हैं आपसे कि सर्वाइकल कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं कि आपका एक साइक्लिकल रिदम खत्म हो जाता है मेंसेस का, आपको कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, हो सकता है आप जब साथ में रहें दोनों पार्टनर तो कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो, और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो, एक टिपिकल स्मेल होती है कैंसरस पेशेंट में डिस्चार्ज में। तो जब तक ये वैसे ये अर्ली साइन आते हैं तब तक कैंसर जो है काफ़ी फैल चुका होता है, स्टेज टू और थ्री में होता है। और जब ये कैंसर बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो दोनों किडनीज और दोनों यूरेटर तक फैल जाता है, तो किडनी फेलियर हो जाता है और मरीज का पेशाब भी रुक सकता है। तो ये बहुत एडवांस स्टेज होती है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने का मोस्टली जो कारण है इसका, वो एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। तो इसके लिए एक वैक्सीन आती है सर्वेक्स के नाम से, जो अगर आप 15 ईयर्स से नीचे के गर्ल्स में लगा रहे हैं तो दो डोजेस, और या फिर अबव 15 ईयर्स के लगा रहे हैं तो तीन डोजेस लगती हैं, और ये फर्स्ट मंथ पे, सेकंड मंथ पे और फिर सिक्स मंथ पे लगती है। इससे आपका कैंसर से बचाव हो जाता है और आपको सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है। और साथ में और दूसरे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जैसे अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल अबॉर्शन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये सब अवॉइड करें। साथ में अपनी जो है जेनिटल हाइजीन अच्छी रखें, जो लोग गंदे रहते हैं, अनहाइजीनिक रहते हैं, उनको भी कैंसर डेवलप होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो विश यू हैप्पी हेल्दी मदरहुड, वुमनहुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट परेशानी के साथ, तब तक के लिए बाय।